दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ नेटफ्लिक्स की बिल्कुल नई हॉरर सीरीज जिसका नाम है द मिडनाइट क्लब। ये सीरीज माइक फ्लैनिगन ने डायरेक्ट की है और अभी हम इस सीरीज की रेटिंग्स की बात नहीं करेंगे क्योंकि ये सीरीज बिल्कुल नई आई है। आज की इस वीडियो में हम सीरीज के स्टार्टिंग के 6 एपिसोड्स को समझने की कोशिश करेंगे जो कि काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इस सीरीज में हमें 8 लोगों की कहानी दिखाई गई है जो मिडनाइट क्लब नाम के एक क्लब में बैठकर डरावनी कहानियां सुनाते हैं। स्टोरी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है तो आप लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना क्योंकि आज की इस वीडियो में हम मिडनाइट क्लब सीरीज की स्टार्टिंग के 6 एपिसोड्स को समझते हुए इनके बारे में कुछ बात करने जा रहे हैं। और अब हम इसी के साथ चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। To those before, to those after, to us now, and to those beyond. Seen or unseen, here or not here. तो एपिसोड 1 शुरू होता है जिसका नाम है द फाइनल चैप्टर और हमें ले जाया जाता है 1994 में सैक्रामेंटो नाम की एक जगह पे। हम लोग देखते हैं इलोंका नाम की एक लड़की को जिसने अभी अभी हाई स्कूल ग्रेजुएट किया है। इलोंका एक बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट लड़की होती है और वो रहती है अपने फॉस्टर डैड टिम के साथ क्योंकि उसके असली मम्मी पापा मर चुके हैं। टिम इलोंका का बिल्कुल अपनी बेटी की तरह ध्यान रखता है और आज रात इलोंका जाती है अपने दोस्तों के साथ एक पार्टी में। ये पार्टी इलोंका की पहली पार्टी है क्योंकि इलोंका पूरे साल सिर्फ पढ़ाई करती रही है और पार्टी में इलोंका ब्रायन नाम के एक लड़के से मिलती है। अब ब्रायन और इलोंका बात कर ही रहे थे कि इलोंका की खांसी में खून आने लगता है। इलोंका बाथरूम में जाती है जहाँ पे अचानक ही उसे एक डरावना विजन आता है और वो बेहोश हो जाती है। सीन कुछ टाइम आगे जाता है जहाँ पे इलोंका को पता चलता है कि उसे पैपिलरी थायराइड कार्सिनोमा नाम की एक बीमारी हो गई है। सीधा सीधा कहूँ तो थायराइड कैंसर। ये न्यूज मिलने के बाद इलोंका की दुनिया ही पलट जाती है क्योंकि वो अपने कॉलेज जाने की तैयारी कर रही थी। सीन यहाँ से 9 महीने आगे जाता है जहाँ पे इलोंका की जिंदगी पे कैंसर की वजह से पूरी तरीके से पानी फिर चुका है। उसके सर के सारे बाल झड़ चुके होते हैं और वो आज 18 साल की हो जाती है। अपने बर्थडे की रात को इलोंका टिम और डॉक्टर की बातें सुन लेती है और उसे पता चलता है कि उसका कैंसर अब टर्मिनल हो गया है और शायद इलोंका कभी 20 साल की नहीं हो पाएगी। दुखी होकर इलोंका इंटरनेट पे कैंसर सर्वाइवर्स के बारे में सर्च करने लगती है और उसे मिलता है ब्राइटक्लिफ नाम का एक हॉस्पिस जहाँ पे कैंसर के बच्चों को उनकी मौत से पहले रखा जाता है। इलोंका को उस मैनर को देखकर अजीब और डरावने विजन आते हैं और उसे फील होता है कि कोई चीज उसे अपनी ओर बुला रही है। इंटरनेट पे इलोंका को जूलिया जेन्स नाम की एक लड़की के बारे में पता चलता है जिसको 17 साल की उम्र में कैंसर हो गया था पर ब्राइटक्लिफ हॉस्पिस में जाने के बाद जूलिया ठीक हो गई थी। जूलिया की पूरी कहानी इलोंका उस रात को पढ़ लेती है और अगले दिन वो टिम को ब्राइटक्लिफ के बारे में बताती है। इलोंका टिम को मना लेती है उसे ब्राइटक्लिफ छोड़कर आने के लिए और टिम अगले दिन इलोंका को ले जाता है ब्राइटक्लिफ हॉस्पिस। उस जगह को देखकर इलोंका अजीब फील करती है क्योंकि उसे उस जगह से रिलेटेड ऑलरेडी विजन्स आ रहे थे। अब सबसे पहले इलोंका मिलती है केविन नाम के एक लड़के से जो समुन्दर के पास वाली पहाड़ी पे बैठा हुआ था और केविन को ल्यूकेमिया नाम की बीमारी है। इसके बाद इलोंका मिलती है मार्क से जो ब्राइटक्लिफ में एक नर्स का काम करता है। वो मैनर अंदर से बहुत ही ज्यादा बड़ी होती है और अब हमें ब्राइटक्लिफ की हिस्ट्री के बारे में पता चलता है।
ये मैनर 1901 में स्टैनली ऑस्कर फ्रीलॉन ने बनवाई थी और फिर 1966 में डॉक्टर जॉर्जिया स्टैंटन ने इस जगह को खरीद लिया था और कैंसर के बच्चों के लिए एक हॉस्पिस में बदल दिया था। पर हमें ये भी पता चलता है कि जब डॉक्टर ने इस जगह को खरीदा था उससे पहले एक कल्ट ग्रुप इस जगह पे रहता था और उस कल्ट का नाम था पैरागॉन। अब घर में घूमते हुए इलोंका को एक बूढ़ी औरत दिखाई देती है और वो फिर से बेहोश हो जाती है। जागने के बाद इलोंका मिलती है डॉक्टर जॉर्जिया स्टैंटन से जो इस जगह की मालकिन है। इसके बाद डॉक्टर स्टैंटन टिम से बातें करती है और समझाती है कि ये जगह क्यों इलोंका के लिए बिल्कुल सेफ है। हमें डॉक्टर के बेटे जूलियन के बारे में भी पता चलता है जो कैंसर से मारा गया था। डॉक्टर स्टैंटन अब इसके बाद इलोंका को एक और लड़के से मिलाती है जिसका नाम है स्पेंस और अब स्पेंस इलोंका को पूरे घर का टूर देता है। इलोंका को टूर के दौरान जूलिया जेन्स की एक तस्वीर मिलती है। घर के अंदर योगा रूम, लाइब्रेरी, गेमिंग रूम सब कुछ होता है और इलोंका टूर के दौरान और भी लोगों से मिलती है। इलोंका मिलती है नात्सुकी से जिसे ओवेरियन कैंसर है। सैंड्रा नाम की लड़की को लिम्फोमा होता है और अमेश नाम के लड़के को गिलोब्लास्टोमा नाम की बीमारी होती है। अमेश और स्पेंस इलोंका को एक पुराने एलिवेटर में जाने से मना करते हैं क्योंकि वो एलिवेटर सीधा मॉर्ग के अंदर जाता है जहाँ पे मरने के बाद बच्चों को ले जाया जाता है। इसके बाद इलोंका मिलती है शेरी से जो एक अमीर पर थोड़ी सी मेंटल लड़की है और एंड में इलोंका जाती है अपने कमरे में और ये सब कुछ इलोंका को काफी ज्यादा अच्छा लगता है। इलोंका अब हॉस्पिस में रहने का ही मन बना लेती है और टिम को भी ये जगह काफी ज्यादा अच्छी लगती है और वो इलोंका को छोड़कर वहां से चले जाता है। थोड़ी देर बाद सामान लगाते वक्त इलोंका को अपने बिस्तर के नीचे एक पेंटाग्राम मिलता है जिसे देखकर इलोंका डर जाती है। पर तभी कमरे में आती है उसकी रूममेट आन्या। आन्या का एटीट्यूड थोड़ा नेगेटिव होता है पर मैं उस लड़की को जज नहीं कर सकता क्योंकि उस लड़की को ऑलरेडी कैंसर की बीमारी है। इलोंका आन्या से अब पेंटाग्राम के बारे में पूछती है और आन्या बताती है रेचल नाम की लड़की के बारे में जो कुछ ही टाइम पहले मर चुकी है और रेचल ही असल में विचक्राफ्ट की चीजों में घुसी रहती थी। अब थोड़ी देर बाद डिनर होता है और इलोंका फाइनली सारे लोगों से मिलती है और सारे लोग इलोंका से दोस्ती कर लेते हैं। आन्या सब लोगों को एक परछाई के बारे में बताती है जो इस घर में घूमती है और वो आन्या को अक्सर दिखाई देती है और सारे लोग डिनर करते वक्त सिर्फ भूतों की कहानियों के बारे में बात करते हैं। इसके बाद जब सब लोग सो जाते हैं तो इलोंका को फिर से एक बुरा सपना आता है और इस सपने में सारे लोग मरे हुए मिलते हैं जिनके पास एक हुडेड फिगर बैठी हुई थी जिसे देखकर इलोंका जाग जाती है। जागने के बाद इलोंका देखती है कि आन्या कहीं पे छुप के जा रही है और इलोंका आन्या का पीछा करती है। पीछा करते करते इलोंका लाइब्रेरी तक पहुंच जाती है जहां पे इलोंका देखती है कि सारे के सारे लोग लाइब्रेरी में बैठे हुए हैं। इलोंका सबको छुपकर देखने लगती है और सारे लोग जिंदगी और मौत, खुद के और आत्माओं के नाम पर एक टोस्ट करते हैं। इसके बाद नात्सुकी एक कहानी सुनाती है जो होती है रेन नाम के एक लड़के के बारे में। रेन रात के टाइम अकेला घर जा रहा था कि वो नोटिस करता है कि इस गली के अंदर वो कभी भी नहीं आया है और फिर अचानक ही घर की खिड़कियों से उसे बहुत सारे क्रीपी लोग घूरने लगते हैं। रेन को एक जापानीज लड़की दिखाई देती है जो आत्मा में बदलकर रेन को बुरी तरीके से बार बार डराने लगती है। दोस्तों नात्सुकी की इस कहानी के अंदर 17 जंप स्केयर होते हैं और वो सारे के सारे जंप स्केयर काफी ज्यादा ट्रिगरिंग होते हैं। नात्सुकी अपनी कहानी से सबको डराने की कोशिश करती है पर सब लोग उसकी कहानी को बोरिंग बताने लगते हैं क्योंकि उसकी कहानी के अंदर सिर्फ जंप स्केयर के अलावा और कुछ नहीं था। अब तभी इलोंका सबके सामने आ जाती है और आन्या इलोंका को काफी ज्यादा नेगेटिव एटीट्यूड देती है। इलोंका को अब पता चलता है कि ये मिडनाइट क्लब है जहाँ पे सब लोग आधी रात को बैठकर डरावनी कहानियां सुनाते हैं और अगर इलोंका को सबका हिस्सा बनना है तो उसे भी एक डरावनी कहानी सुनानी होगी। इलोंका भी अब बैठ जाती है और वो सुनाती है जूलिया जेन्स की कहानी जो उसने इंटरनेट से पढ़ी थी।
सीन यहाँ से पास्ट में जाता है जहाँ पे हम लोग जूलिया जेन्स को देख पाते हैं जिसकी लाइफ काफ़ी ज़्यादा अच्छी चल रही थी कि एक दिन उसे पता चलता है कि उसे कैंसर हो गया है और वो पहुँच जाती है ब्राइटक्लिफ हॉस्पिस में। हॉस्पिस में आने के बाद जूलिया May 20th, 1969 की तारीख बार बार बोलने लगी थी क्योंकि डॉक्टर के हिसाब से उस दिन जूलिया का कैंसर उसे मार देगा। जूलिया डिप्रेस्ड हो गई थी पर हर रात उसे आवाजें आती थी जैसे उसे कोई बुला रहा हो। जूलिया एक दिन आवाजों के पीछे बेसमेंट में चली गई थी जिसके बाद जूलिया गायब हो गई थी। जूलिया के साथ क्या हुआ था किसी को कुछ भी पता नहीं चला था, पर एक दिन एक महीने बाद जूलिया हॉस्पिस में वापस लौट आई। वो अचानक ही बेहोश हो गई पर जागने के बाद उसने बताया कि वो हॉस्पिस के अंदर ही थी और इस सब के बाद जूलिया का कैंसर धीरे धीरे अपने आप ही ठीक हो गया। अब जब जूलिया का कैंसर चमत्कारी तरीके से ठीक हो गया तो जूलिया हॉस्पिस से वापस घर जाने लगी, पर जिस दिन जूलिया को हॉस्पिस से वापस घर ले जाया जा रहा था तो उसने तीन लोगों को तीन अलग अलग तारीखें बताई और फिर उन्हीं तारीखों को वो तीनों लोग एक एक कर मारे गए। मतलब किसी तरीके से जूलिया को पता चल गया था कि वो तीनों लोग किस तारीख को मरने वाले हैं। जूलिया के साथ ये सब कैसे हुआ था ये इलोंका को पता नहीं था और इसलिए वो कहानी को यहीं पे खत्म कर देती है। कहानी सुनाने के बाद इलोंका को क्लब में आने के लिए एक वादा भी करना होता है जो ये था कि अगर वो मर जाएगी तो उसे दूसरी दुनिया से वापस आकर कॉन्टेक्ट करना होगा। क्लब के सारे लोगों ने ये वादा ऑलरेडी कर रखा होता है और इस वादे को करने के बाद मीटिंग खत्म हो जाती है। अब केविन इलोंका से बातें करता है और वो इलोंका को बताता है कि जो कहानी उसने सुनाई है वो बनावटी नहीं थी क्योंकि जूलिया जेन्स 1969 में सच में हॉस्पिस में रहती थी। इलोंका अब यहाँ पे केविन को सच बता देती है और हमें पता चलता है कि इलोंका इस जगह पे इसलिए आई है क्योंकि उसे आशा है कि उसके साथ भी कोई चमत्कार होगा और उसका कैंसर ठीक हो जाएगा। इस सब के बाद वो दोनों सोने के लिए चले जाते हैं और हम लोग एक परछाई को इलोंका के पीछे जाता हुआ देख पाते हैं जिसके साथ एपिसोड 1 यहीं पे खत्म हो जाता है। अब यहाँ से हम लोग एपिसोड 2 की तरफ चलते हैं जिसका नाम है द टू डेनाज। I'm curious about another patient from a long time ago in 68. Her name was Julia Jane. Patient files are confidential. To those before, to those after, to us now, and to those beyond. I'm Shasta. Seen or unseen, here but not here. एपिसोड की शुरुआत में आन्या एक बुरे सपने की वजह से जाग जाती है और इलोंका आन्या को काम डाउन करती है। इलोंका उस टाइम पर एक अर्बल टी बना रही थी और इलोंका को एक अजीब लॉकेट ड्रॉल में मिलता है जिसे आन्या तुरंत ही ले लेती है क्योंकि वो लॉकेट रेचल का था। इसके बाद इलोंका डॉक्टर स्टैंटन से मिलने जाती है और डॉक्टर आज इलोंका को प्रीनीड नाम का एक फॉर्म देती है जिसमें लिखना था कि इलोंका को मरने से पहले क्या क्या करना है। यहाँ पे इलोंका डॉक्टर स्टैंटन से पूछती है जूलिया जेन्स के बारे में, पर डॉक्टर जूलिया के बारे में कुछ भी बताने से मना कर देती है। सीन जाता है नात्सुकी पे जो ट्रिस्टन नाम की लड़की को कहानी पढ़ के सुना रही थी। हमें पता चलता है कि ट्रिस्टन भी उन्हीं लोगों में से एक है, पर अब उसका कैंसर बहुत ज्यादा खतरनाक हो गया है और अब ट्रिस्टन की मौत कभी भी हो सकती है और इसलिए उसे बाकी बच्चों से अलग रखा जाता है। इस सब के बाद एक ग्रुप थेरेपी सेशन होता है जहाँ पे आन्या इलोंका को उसकी अर्बल टी के बारे में चिढ़ाने लगती है। आन्या इलोंका को गिल्टी फील कराने की कोशिश करती है क्योंकि कोई नेचुरल चाय कैंसर ठीक नहीं कर सकती और साथ ही साथ आन्या को उस चाय की वजह से कमरे में बदबू आती है।
खैर इलोंका आन्या को अच्छा खासा जवाब देती है और मीटिंग के बाद उन दोनों में और ज्यादा बहसबाजी हो जाती है और एंड में आन्या को अपनी गलती का एहसास होता है कि उसे इलोंका के साथ ज्यादा बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए। अब थोड़ी देर बाद इलोंका चाय बनाने के लिए नेचुरल पानी इकट्ठा करने के लिए जाती है जंगल में और वो मिलती है शात्सा नाम की एक लड़की से। शात्सा काफी फ्रेंडली होती है और वो ब्राइट क्लिफ के बगल में ही रहती है। शात्सा को एंशिएंट ग्रीक मिथोलॉजी में इंटरेस्ट होता है और वो भी चाय बनाने के लिए पानी इकट्ठा करने के लिए आई थी। इलोंका और शात्सा यहाँ पे दोस्त बन जाते हैं क्योंकि वो दोनों ही यकीन करते थे कि जो नेचर है वो कैंसर भी ठीक कर सकता है। बातों के बाद शात्सा इलोंका को कैमोमाइल फ्लावर्स के बारे में बताती है और इलोंका उन फ्लावर्स को तोड़ने के लिए जाती है। फूल तोड़ते वक्त इलोंका को एक पेड़ पे आवर ग्लास का सिंबल मिलता है और इलोंका उस सिंबल को देखकर कंफ्यूज हो जाती है। अब अगले सीन में सारे लोग बैठकर पेपर स्वान्स बना रहे होते हैं क्योंकि ये काम मरने से पहले अमेश करना चाहता है, पर कागज काटते वक्त स्पेंस का हाथ कट जाता है। स्पेंस डर के वहां से भाग जाता है और इलोंका को पता चलता है कि स्पेंस को एड्स की बीमारी है। यहाँ पे फिर से आन्या इलोंका पे गुस्सा करने लगती है क्योंकि वो नहीं चाहती कि कोई भी इंसान उनकी बीमारियों के आगे दयालुपन दिखाए क्योंकि एंड में वो सब मरने ही वाले हैं। आन्या अब वहां से गुस्से में चले जाती है और रात के टाइम आन्या जो रेचल का लॉकेट होता है उसे डॉक्टर स्टैंटन को दे देती है ताकि वो लॉकेट रेचल के घर वालों तक पहुंच जाए। डॉक्टर स्टैंटन के वहां से जाने के बाद एक काली परछाई आन्या को बुरी तरीके से डरा देती है और यहां से सीन जाता है आधी रात पे और आज मिडनाइट क्लब में आन्या कहानी सुनाती है जिसका नाम होता है द टू डेनास। सीन कहानी के अंदर जाता है और हम लोग देखते हैं डेना नाम की एक परफेक्ट लड़की को। डेना एक बैलरीना होती है और लाइफ में काफी ज्यादा सक्सेसफुल भी। डेना का बेस्ट फ्रेंड होता है बिल, पर हमें अब पता चलता है डेना के इमोशंस के बारे में। डेना असल में एक नॉर्मल लड़की की तरह जीना चाहती थी और इसलिए एक रात डेना के पास आती है डेविल। डेविल डेना को बोलती है कि वो डेना का एक डुप्लीकेट बना सकती है और फिर डेना दो जिंदगी एक साथ जी पाएगी, पर दोनों ही डेना पर एक ही आत्मा होगी। खैर डेना डेविल की बात मान जाती है और डेविल उसके सामने लेके आती है एक दूसरी डेना। उन दोनों ही डेना का दिमाग एक होता है और आत्मा भी सेम होती है और इसलिए अगर एक डेना को चोट लगेगी तो दूसरी डेना को भी दर्द होगा। अब यहाँ से एक डेना अपनी नॉर्मल जिंदगी जीने के लिए निकल जाती है और दूसरी डेना अपना करियर बनाने के लिए निकल जाती है। अब जब एक डेना पार्टी करती है तो दूसरी डेना को भी खुशी होती है, एक डेना इंटीमेट होती है तो दूसरी डेना को भी सब कुछ फील होता है और जल्दी ही ये बात हाथ से निकल जाती है। दूसरी डेना अब एक एडिक्ट में बदल जाती है जिसकी वजह से नॉर्मल डेना बैले नहीं कर पाती और उसके पैर में मोच आ जाती है। दोनों ही डेना की जिंदगी धीरे धीरे बर्बाद हो जाती है और बदला लेने के लिए दोनों ही डेना अपने आप को चोट पहुंचाने लगती है और दर्द असल में दोनों ही डेना को होता है, इसलिए कोई भी फायदा नहीं होता। अब इस सब को खत्म करने का एक ही रास्ता उन दोनों को समझ आता है और इसलिए वो दोनों डेना एक दूसरे को मारने के लिए पहुंच जाती है। वो दोनों एक साथ एक दूसरे पे गन तान देती है और एक साथ गोली चला देती है और उन दोनों डेना में से एक डेना मर जाती है। अब जो डेना बचती है उसे हॉस्पिटल में होश आता है और अब उसके पैर कट चुके थे। डेना पूरी तरीके से टूट जाती है और डेविल उसके सामने आकर उसे और ज्यादा गिल्टी फील कराती है और डेना समझ जाती है कि उसने खुद की ही जिंदगी पे कुल्हाड़ी मार ली, क्योंकि अगर डेना अपनी नॉर्मल ट्रैक पे चलती रहती तो उसे आज ये दिन देखना नहीं पड़ता और कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है। कहानी के खत्म होते ही मिडनाइट क्लब की मीटिंग भी खत्म हो जाती है और मीटिंग के बाद इलोंका जाती है डॉक्टर स्टैंटन के ऑफिस का ताला तोड़ने के लिए। केविन भी इस काम में इलोंका की मदद करता है और वो दोनों डॉक्टर स्टैंटन के ऑफिस में घुस जाते हैं और इलोंका जूलिया जेन्स की फाइल चुरा लेती है। एंड में नैन्सी नाम की नर्स वहां पे आ जाती है, पर केविन इलोंका को बचा लेता है और अब अचानक ही इलोंका पुराने टाइम में पहुंच जाती है।
इलोंका के आसपास की सारी सराउंडिंग बदल जाती है और हॉलवे में इलोंका के पास आती है वही बूढ़ी औरत। वो औरत इलोंका को बुरी तरीके से डरा देती है और तभी सब कुछ नॉर्मल हो जाता है और एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। अब यहाँ से हम लोग चलते हैं एपिसोड 3 की तरफ जिसका नाम है द विकेड हर्ट। जूलियस आर्ट थेरेपी दैट्स गॉट अ फ्यू थिंग्स दैट इंट्रिग मी। हैव यू सीन दिस सिंबल बिफोर? आई सॉ इट इन द फॉरेस्ट यस्टरडे एंड आई एम प्रीटी श्योर आई हैव सीन इट समवेयर इन द हाउस। ओर दीस, डू एनी ऑफ दीस मीन एनीथिंग टू यू? 29213? I don't care. To those before, to those after, to us now, and to those beyond, seen or unseen, here and out here. एपिसोड की शुरुआत में इलोंका केविन को सब कुछ बताती है जो उसने अभी अभी हॉलवे में देखा, पर केविन को इलोंका की बातों पे ज्यादा यकीन नहीं होता। असल में मैनोर के अंदर सारे लोगों को अजीब चीजें दिखाई देती हैं और केविन के हिसाब से ये सारी चीजें दवाइयों का असर है। केविन से बात करने के बाद इलोंका जाती है और वो जूलिया की फाइल चेक करती है जिसमें उसे जूलिया की बनाई हुई कुछ ड्राइंग्स मिलती है और उन ड्राइंग्स में वही आवर ग्लास का सिंबल बना हुआ था जो इलोंका ने जंगल में भी देखा था और साथ ही साथ ड्राइंग में एक नंबर था 292.13 जिसे आप लोग याद रखना। ये सब कुछ इलोंका को कंफ्यूज कर देता है और सोने के बाद सपने में उसे बहुत सारी हुडेड फिगर्स दिखाई देती है। इलोंका उन फिगर्स का पीछा करती है और वो सारे लोग एलिवेटर में चले जाते हैं, पर एक हुडेड फिगर इलोंका को डरा देती है और वो जाग जाती है। जागने के बाद इलोंका आन्या को सब कुछ बता देती है, पर आन्या को उसकी बातों में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था। पर आज आन्या इलोंका से थोड़ा ठीक से बातें करती है क्योंकि ऑब्वियसली आन्या का दिल काफी अंदर से अच्छा है। अब आज सारे लोगों के पेरेंट्स अपने बच्चों से मिलने आते हैं और हमें पता चलता है कि नात्सुकी के पापा सोल्जर थे जो मर गए हैं। अमेश के मम्मी पापा इंडिया में फंसे हुए हैं और वो उसे मिलने के लिए नहीं आ पाते। स्पेंस की माँ उससे मिलने नहीं आती क्योंकि वो अपने बेटे से नाराज है और क्यों ये हमें आगे पता चलेगा। स्पेंस का सिर्फ पापा उससे मिलने के लिए आता है और स्पेंस को बुरा लगता है क्योंकि आज उसकी मम्मी का बर्थडे है। केविन की मम्मी थोड़ी हाइपर होती है, छोटा भाई काफी ज्यादा अच्छा होता है और उसकी गर्लफ्रेंड कैथरीन होती है जिसे इलोंका केविन की गलती से बहन समझ लेती है। इसके बाद इलोंका टिम से मिलती है और क्योंकि आन्या एक ऑर्फन है तो वो भी इलोंका के साथ ही रहती है। शैरी के अमीर मम्मी पापा उससे मिलने के लिए नहीं आते, पर वो उसके लिए गिफ्ट वगैरह भिजवा देते हैं जिसमें से काफी सारे गिफ्ट वो मार्क को गिफ्ट कर देती है। सारा दिन अपने बच्चों से मिलने के बाद पेरेंट्स अपने घर पे चले जाते हैं और इसके बाद जब नात्सुकी ट्रिस्टन से मिलने जाती है तो ट्रिस्टन मर चुकी थी। सारे लोग दुखी हो जाते हैं और सबसे ज्यादा शौक लगता है नात्सुकी को क्योंकि ट्रिस्टन नात्सुकी की रूममेट थी। अब उस रात को नात्सुकी एक पल के लिए ट्रिस्टन की आत्मा को देख लेती है और वो इस बारे में जाके मिडनाइट क्लब को बताती है। क्लब में नात्सुकी के हिसाब से ट्रिस्टन दूसरी दुनिया से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही है अपने वादे के मुताबिक, पर आन्या बोलती है कि अगर उसे कांटेक्ट करना ही है तो वो ढंग से करे ना क्योंकि ये एक झलक दिखाकर तो कुछ भी नहीं होने वाला। अब आज रात को केविन एक कहानी सुनाता है जिसका नाम है विकेड हर्ट। ये कहानी होती है डस्टी नाम के लड़के की जो पूरी दुनिया के लिए एक परफेक्ट लड़का होता है, पर डस्टी असल में बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं होता। एक दिन डस्टी स्कूल में दो लड़कियों को बातें करता हुआ सुन लेता है और उसे पता चलता है कि नैन्सी नाम की एक लड़की आज अपने घर में अकेले रहने वाली है। हमें इसके बाद पता चलता है कि डस्टी की माँ बात नहीं करती, पर उसके साथ कुछ गड़बड़ है जो हमें आगे पता चलेगी। उस रात को अब डस्टी जाता है नैन्सी के घर और वो एक हथौड़े से नैन्सी की खोपड़ी फोड़कर उसका बड़ी ही बेरहमी से कत्ल कर देता है और इस पूरे टाइम डस्टी को डिमोनिक आवाजें सुनाई देती रहती है। डस्टी अब जाके लाश को दफना देता है और उसने इससे पहले भी बहुत सारी लड़कियों को मार रखा था, पर हर बार वो क्राइम सीन पर एक स्माइली फेस छोड़ देता है।
मिडनाइट क्लब के लोगों को ये बात काफी ज्यादा अजीब लगती है कि डस्टी एक स्माइली फेस छोड़ता है और इसलिए केविन कहानी में स्माइली फेस को बदल कर आवर ग्लास के सिंबल में बदल देता है। कत्ल करने के बाद डस्टी घर पे आता है और अपनी माँ को बोलता है कि मैंने उसे मार दिया, अब प्लीज मेरे को अकेला छोड़ दो। और हम लोग समझ जाते हैं कि डस्टी जिन भी लोगों को मारता है वो उन्हें अपनी मर्जी से नहीं मारता। इसके बाद डस्टी सोने जाता है पर जितने भी लोगों को उसने मारा था उन सभी की आत्माएं वहां पे उसके सामने खड़ी होकर चिल्लाने लगती है और डस्टी को ये आत्माएं हर रोज परेशान करती है। अगले दिन डस्टी स्कूल में शीला नाम की एक लड़की से मिलता है जो नैंसी की दोस्त है और शीला परेशान होती है क्योंकि नैंसी काफी देर से उसे कॉन्टेक्ट नहीं करी है। खैर शीला और डस्टी में एक कनेक्शन बन जाता है और वो दोनों डेट पे जाते हैं। अब डेट पे जाने से पहले शीला डस्टी को नैंसी के घर ले जाती है नैंसी को चेक करने के लिए। ये आइडिया डस्टी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और घर जाने पे नैंसी की आत्मा डस्टी को परेशान करने लगती है। अब ऑब्वियसली शीला को नैंसी घर में नहीं मिलती और घबरा कर शीला पुलिस को कॉल कर देती है और डस्टी भी उसे रोक नहीं पाता। पुलिस और डिटेक्टिव अब नैंसी के घर पे आते हैं और जब डिटेक्टिव को वो आवर ग्लास का साइन दिखाई देता है तो वो शीला से अजीब सवाल जवाब करने लगती है और शीला समझ जाती है कि डिटेक्टिव ऑलरेडी उस साइन को जानती है। अब क्योंकि डस्टी पुलिस से ऑब्वियसली दूर रहना चाहता था इसलिए वो बहाना मार के घर चले जाता है। रात को वो आत्माएं डस्टी को फिर से परेशान करती है और फिर शीला आती है डस्टी से मिलने के लिए जिसने इन्वेस्टिगेशन करके ये कंक्लूजन निकाला था कि नैंसी को किसी ने मार डाला है। शीला डस्टी से अब मदद मांगती है इस इन्वेस्टिगेशन में साथ देने के लिए और डस्टी बुरी तरीके से फंस जाता है और केविन यहीं पे अपनी कहानी खत्म कर देता है क्योंकि वो आगे की कहानी किसी और दिन सुनाएगा। सब लोग अब क्लब मीटिंग खत्म करके चले जाते हैं सिवाय इलोंका के जिसे याद आता है कि उसने आवर ग्लास का सिंबल घर में भी कहीं देखा है। इलोंका केविन को पुरानी लिफ्ट में ले जाती है जहां पे बटन्स के नीचे वो सिंबल बना हुआ था और वो सिंबल भी असल में एक बटन था जो काम नहीं करता। अब इस पूरे चक्कर में वो दोनों मॉर्ग में पहुंच जाते हैं पर क्योंकि इलोंका काफी ज्यादा इंटेलिजेंट लड़की है तो वो बेसमेंट और आवर ग्लास का बटन एक साथ दबाती है और अचानक ही लिफ्ट उन दोनों को एक हिडन बेसमेंट में ले जाती है। वो जगह बहुत ही ज्यादा क्रीपी होती है और इलोंका उसे चेक करने के लिए एलिवेटर से बाहर निकलती है और उसे जमीन पे बना हुआ मिलता है वही आवर ग्लास वाला सिंबल। अब तभी एलिवेटर अपने आप ऊपर चले जाता है और इलोंका माचिस की रोशनी में उसी जगह पर फंस जाती है। उसे दिखाई देती है उस बुढ़िया की आत्मा और एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। अब यहाँ से हम लोग एपिसोड 4 की तरफ चलते हैं जिसका नाम है गिव मी अ किस। द मिडनाइट क्लब वाज फाउंडेड इन एपिसोड की शुरुआत में हम इलोंका को देखते हैं जिसके पास केविन एलिवेटर को लेकर वापस आ जाता है। अब इस सब के बाद वो दोनों पूरे क्लब को लेकर वहां पे आ जाते हैं और उस जगह की दीवारें जमीन और छत हर जगह पर पेंटिंग्स बनी हुई थी। उस बेसमेंट में एक बेड भी रखा हुआ था जिसका मतलब उस बेसमेंट में कोई रह चुका है। इलोंका को वहां पे मिडनाइट क्लब नाम से एक डायरी भी मिलती है और उस डायरी से सब लोगों को पता चलता है कि मिडनाइट क्लब को शुरू किया था जूलिया जेन्स ने, वो भी 1969 में। उस डायरी के अंदर क्लब के बारे में सारी इंफॉर्मेशन थी और जब सब लोग डायरी को पढ़ रहे थे तो सैंड्रा इधर उधर घूम रही थी। सैंड्रा को बेसमेंट में विचक्राफ्ट का सामान मिलता है और वो डर के चली जाती है।
केविन अन्या और इलोंका को छोड़कर सब लोग डर के वहां से चले जाते हैं और इलोंका को अब डायरी के आगे के पन्नों में खून से बने हुए पेजेस मिलते हैं। अब ये सब विटनेस करने के बाद अगले दिन जब ग्रुप थेरेपी होती है तो कोई भी कुछ भी नहीं बोलता, पर सैंड्रा आज सब लोगों को इनडायरेक्टली भगवान का पाठ पढ़ाने लगती है। हमें पता चलता है कि सैंड्रा जीसस क्राइस्ट को बहुत ज्यादा मानती है, पर इसकी वजह से स्पेंस को बहुत ज्यादा सैंड्रा पे गुस्सा आ जाता है, क्योंकि स्पेंस भगवान को नहीं मानता, क्योंकि चर्च के लोग स्पेंस को एक बर्बादी मानते हैं, क्योंकि स्पेंस गे है और इसलिए ही स्पेंस की लाइफ सबसे ज्यादा मुश्किल है और इसी वजह से उसकी माँ उससे बात नहीं करती। थेरेपी के बाद इलोंका फिर से जंगल में जाती है और आज उसे कुछ नई कार्विंग्स मिलती है। वो सब कुछ ड्रॉ कर लेती है, पर तभी वहां पे आती है शात्सा। शात्सा आज इलोंका के लिए कुछ नेचुरल मेडिसिन लाई थी जो उसकी खुद की कंपनी की है। शात्सा ये भी बताती है कि इलोंका अभी शात्सा की प्रॉपर्टी पे गलती से आ गई है और शात्सा ने जंगल में हर जगह कैमरे लगा रखे थे। खैर, आज शात्सा इलोंका को अपना नंबर दे देती है और शात्सा इलोंका को बताती है कि ब्राइटक्लिफ की लाइब्रेरी में कुछ हर्बल मेडिसिन की किताबें हैं जिन्हें इलोंका डेसिमल सिस्टम का यूज कर आराम से ढूंढ सकती है। इसके बाद इलोंका वापस चले जाती है और वो घर जाकर केविन का मेकअप करती है जो आज हाई स्कूल प्रॉम में जा रहा था। केविन के जाने के बाद स्पेंस मार्क के पास टेस्टिंग वगैरह के लिए आता है और अब हमें पता चलता है कि स्पेंस पे दवाइयां काम नहीं कर रही है और उसके शरीर पे अजीब बम्स आने लग गए हैं। मार्क इसके बाद स्पेंस को समझाता है कि अगर उस पे दवाइयां काम नहीं कर रही है फिर भी उस पे अभी एक दो साल है जिंदा रहने के लिए। अब जब टेस्टिंग के बाद स्पेंस वापस जा रहा होता है तो उसे रिकवरी रूम में से ट्रिस्टन की आवाज सुनाई देती है। कमरे का दरवाजा लॉक होता है और ट्रिस्टन की आत्मा बोलती है, मेरी बात सुनो, पर स्पेंस डर के वहां से चले जाता है। खैर, इसके बाद सब लोग मिडनाइट क्लब में जाते हैं और आज कहानी सुनाती है सैंड्रा, और सैंड्रा का मकसद था स्पेंस से माफी मांगने का। सैंड्रा की कहानी का नाम होता है गिमी अ किस, जो शुरू होती है एक डिटेक्टिव को दिखाते हुए। डिटेक्टिव जाके एलिस नाम की लड़की का इंटरव्यू लेती है जिसके दो दोस्त मर चुके हैं और एक लापता है। एलिस अब अपनी गवाही डिटेक्टिव को देना शुरू करती है और हम मिलते हैं शैरोन से जो एलिस की बचपन की दोस्त है, कर्क से जो एलिस का एक्स बॉयफ्रेंड है, पैटी से जो क्लास की एक बिच है, और जेक से जो एलिस का बेस्ट फ्रेंड है। हमें पता चलता है कि जेक और कर्क एक साथ हिडन रिलेशनशिप में है जिसके बारे में जेक ने अपनी डायरी में लिखा हुआ है। अब एक दिन जेक की डायरी का कोई प्रिंट निकाल कर पूरे स्कूल में फैला देता है और कर्क जेक से रिश्ता खत्म कर लेता है। जेक को कुछ टाइम बाद ये खबर मिलती है कि डायरी का पन्ना पैटी ने पोस्ट किया था क्योंकि वो कर्क से प्यार करती है, और अब जेक शैरोन के साथ मिलकर एक प्लान बनाता है बदला लेने का। सीन एक बोट पार्टी पे जाता है जहाँ पे जेक जबरदस्ती कर्क से लड़ाई कर लेता है। लड़ाई में जेक पानी में गिर जाता है और वो वापस ऊपर नहीं आता। एलिस अब डिटेक्टिव को ये बताती है कि यही जेक और शैरोन का प्लान था कि जेक मरने का नाटक करेगा और सारे लोग कर्क और पैटी पे इल्जाम डालकर उन दोनों को स्कूल में बदनाम कर देंगे। प्लान के हिसाब से ही जेक पानी के अंदर से ही समुंदर से बाहर निकल जाता है और एक कॉटेज में जाकर छुप जाता है, पर न्यूज में जेक को पता चलता है कि जेक को बचाने के चक्कर में कर्क पानी में कूद गया था और कर्क असलियत में मारा गया है। शैरोन ने इसके बाद ये सारी बातें एलिस को बताई थी और फिर रात के टाइम शैरोन गई थी कॉटेज में और उसने जाकर जेक को गोली मार दी थी और उसने कॉटेज में आग लगा दी थी सबूत मिटाने के लिए। एलिस बताती है कि शैरोन ने ये सब इसलिए किया था क्योंकि शैरोन सीक्रेटली कर्क से प्यार करती थी, और क्योंकि जेक की वजह से कर्क मारा गया इसलिए शैरोन ने कॉटेज में जाकर उसे मार डाला। ये बयान देकर एलिस वहां से चले जाती है, पर उसे कोई किडनैप कर लेता है। एलिस को थोड़ी देर बाद स्कूल में होश आता है और असल में जेक ने उसके हाथ पैरों को बांध लिया था और जेक ने ही उसे किडनैप करा था।
जेकब यहाँ पे एलिस को कन्फ्रंट करता है और हमें पता चलता है कि एलिस ने एक झूठा बयान दिया था, क्योंकि जिस रात चैरॉन जेक से मिलने कॉटेज में गई थी उसी रात एलिस ने चैरॉन को गोली मार दी थी और उसने जेक को मारने के लिए कॉटेज में आग लगा दी थी। खैर, जेक उस आग से बच गया था पर वो पुलिस की नजरों में मारा गया था और अब जेक एलिस से बदला लेने के लिए आया है। एलिस अब यहाँ पे बताती है कि उसने ही असल में जेक की डायरी को पोस्ट किया था क्योंकि वो जेक और कर्क का ब्रेकअप करवाना चाहती थी। हमें पता चलता है कि एलिस कर्क से बदला लेने की कोशिश कर रही थी क्योंकि कर्क ने उसे हर्पीस नाम की एक बीमारी दे दी थी जो एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज होती है। खैर, एंड में उन दोनों में लड़ाई हो जाती है और एलिस मारी जाती है। एलिस की आत्मा को एंजल्स ले जाते हैं और मिडनाइट क्लब में सारे लोग सैंड्रा का मजाक उड़ाने लगते हैं क्योंकि उसने एक अच्छी कहानी को एक बेकार एंडिंग से खराब कर दिया। इसके बाद सैंड्रा स्पेंस से माफी मांगती है और स्पेंस उसे माफ कर देता है। अब क्लब मीटिंग के बाद केविन और इलोंका बातें कर रहे होते हैं कि इलोंका लाइब्रेरी की एक दराज पे डेसिमल सिस्टम लिखा हुआ देखती है जो उसे शादसा ने बताया था। अचानक ही इलोंका को समझ आता है कि जूलिया की ड्राइंग्स में जो नंबर था 292.13 वो असल में लाइब्रेरी की किसी किताब को रिप्रेजेंट कर रहा है और अब कुछ ही देर में इलोंका एक किताब को ढूंढ लेती है जिसपे आवर ग्लास का सिंबल बना हुआ था। सीन जाता है आन्या पे जिसने अपनी दवाई की ओवरडोज ले ली थी और वो नशे में वापिस अपने कमरे में जाने की कोशिश कर रही थी। उसे रास्ते में डिमोनिक आवाजें आने लगती है और आन्या किसी तरह कमरे में पहुंचकर खुद को लॉक कर लेती है, पर कमरे में आ जाती है वो डिमोनिक परछाई और वो परछाई आन्या पे जानलेवा हमला कर देती है। इसके बाद जब इलोंका और केविन कमरे में आते हैं तो उन्हें मिलती है आन्या जिसकी सांसें नहीं चल रही थी और एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। अब हम यहाँ से चलते हैं एपिसोड 5 की तरफ जिसका नाम है सी यू लेटर। The Paragon Diary belonged to a girl who called herself Athena. She was 16 when she escaped, and this is her story. To those before, to those after, to these days now, and to those days beyond, seen or unseen, here or not here. एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देखते हैं इलोंका को जो आन्या को सीपीआर देखकर किसी तरीके से जिंदा कर लेती है, पर अब आन्या को फिर से वो परछाई दिखाई देती है और आन्या बुरी तरीके से डर के मारे बेहोश हो जाती है। अगले दिन डॉक्टर स्टैंटन इलोंका को बताती है कि आन्या ने ओवरडोज ले ली थी और इलोंका को गिल्टी फील होती है क्योंकि उसे ये नहीं पता था कि आन्या सेल्फ मेडिकेशन पे है और अगर उसे ये बात पता होती तो इलोंका आन्या को ज्यादा दवाई नहीं लेने देती। इलोंका अब जाके आन्या से मिलती है और से पूछती है कि उसने बेहोश होने से पहले क्या देखा था, पर आन्या परछाई के बारे में इलोंका को कुछ भी नहीं बताती। इसके बाद इलोंका जब अपने कमरे में जा रही होती है तो शेरी उसे अपने पास बुलाती है और उसके सर का बिना पूछे नाप ले लेती है और क्यों ये हमें आगे पता चलेगा। खैर, फाइनली इलोंका उस किताब को जाकर पढ़ती है जो उसने लाइब्रेरी में ढूंढी थी। वो किताब असल में एथीना नाम की एक लड़की ने लिखी थी जो 16 साल की थी और वो पैरागॉन कल्ट की मेंबर थी। उस किताब में पैरागॉन कल्ट की कहानी लिखी हुई थी जिसे शुरू किया था 1931 में रेजीना बेलार्ड नाम की एक औरत ने, पर रेजीना ने अपना नाम बदलकर एसीसो रख लिया था। रेजीना सबको बोलती थी कि उससे ग्रीक गॉडेसेस बातें करती है और रेजीना अपनी शक्तियों से लोगों को ठीक भी कर देती थी। रेजीना अपने कल्ट में 5 गॉडेस की पूजा करती थी जिनके नाम है पैनेसिया, हाइजिया, इयासो, अगालिया और असीसो, जिसे रेजीना सबसे ज्यादा मानती थी। रेजीना धीरे धीरे कल्ट में और ज्यादा अंदर घुस गई और उसने ब्लड सेक्रीफाइस करना शुरू कर दिया। रेजीना की ही बेटी असल में थी एथीना, जो समझ गई थी कि उसकी माँ पागल हो गई है और इसलिए एक रात एथीना कल्ट के काफी सारे लोगों को लेकर भाग गई थी।
एथीना ने पुलिस को सब कुछ बता दिया था और जब पुलिस कल्ट तक पहुंची तो रेजिना ऑलरेडी अपने पूरे कल्ट का सैक्रिफाइस कर चुकी थी ताकि उसे एक लंबी उम्र मिले। ये सारी कहानी इलोंका केविन को सुनाती है और हमें पता चलता है कि उस क्राइम के बाद रेजिना गायब हो गई थी। खैर यहाँ पे इलोंका कंक्लूजन निकालती है कि उस कल्ट के बाद डॉक्टर स्टैंटन ने ब्राइटक्लिफ को खरीद लिया था और उसके बाद जूलिया को कल्ट के बारे में पता चला, जिसकी वजह से जूलिया के साथ कुछ ऐसा हुआ कि जूलिया का कैंसर ठीक हो गया। ब्राइटक्लिफ से जाने से पहले जूलिया ने सारी चीज़ें फिर से छुपा दी ताकि और लोगों को आगे की जनरेशन में मदद मिल सके और अब वो सारी चीज़ें इलोंका और उसके बाकी दोस्तों को मिल रही है। और इलोंका को लगता है कि शायद कोई रिचुअल होगा जो कैंसर को ठीक कर देगा। अब इसके बाद अमीर शहरी इलोंका को एक महंगा विग गिफ्ट करती है और इलोंका बहुत ही ज्यादा खुश होती है। यहाँ पे उन दोनों का बॉन्ड और ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है और उस दिन की रात को सब लोग अमीश के लिए एक पार्टी करते हैं क्योंकि वो अभी तक जिंदा है, जबकि डॉक्टर ने कुछ और ही कहा था। पार्टी में शहरी अमीश को प्ले स्टेशन गिफ्ट करती है और हमें पता चलता है कि अमीश नात्सुकी को पसंद करता है। पार्टी के बाद आन्या सो जाती है और इलोंका अब उस रिचुअल को ढूंढने की कोशिश करती है पर उसे वो रिचुअल नहीं मिलता और आधी रात हो जाती है। अब तभी इलोंका को आन्या के पास दिखाई देती है वो बूढ़ी औरत। इलोंका उस बुढ़िया का पीछा करती है और वो एक बार फिर से पुराने जमाने में पहुंच जाती है। इलोंका अब घूमते घूमते लाइब्रेरी में पहुंच जाती है जहां पे केविन उसे होश में ले आता है। इलोंका देखती है कि वो चलते चलते मिडनाइट क्लब में आ गई है और वो सबको इस बारे में बताती है। स्पेंस भी अब यहाँ पे सबको बता देता है कि उसने ट्रिस्टन की आवाज़ सुनी थी पर क्योंकि पार्टी करने से वो सब लोग थके हुए और नशे में थे तो आज वो ज़्यादा इन्वेस्टिगेट नहीं करते और आज अमीश अपनी कहानी सुनाता है जिसका नाम है सी यू लेटर। अमीश की कहानी होती है ल्यूक नाम के एक लड़के के बारे में जो एक गेम डिजाइनर है और वो एक गेम शॉप पे बैठने वाली लड़की बैकी से प्यार करता है। खैर बैकी का ऑलरेडी एक बीएफ होता है पर एक दिन वो मिलता है विंसेंट नाम के एक लड़के से और विंसेंट एक बड़ा गेम डिजाइनर है। विंसेंट ल्यूक को अपने साथ ले जाता है और विंसेंट ने एक वर्ल्ड एंडिंग गेम बनाया था पर विंसेंट को एंड में दुनिया को बचाना था जो विंसेंट नहीं कर पा रहा था और इसलिए विंसेंट अब ल्यूक की मदद लेता है। ल्यूक उस गेम को खेलता है पर एंड में हर बार दुनिया खत्म हो जाती है और फिर ल्यूक शाम के टाइम मिलता है विंसेंट की बीवी कारा से। हमें कहानी में आगे पता चलता है कि ल्यूक का दिल कमजोर है और वो कभी भी मर सकता है और बैकी का जो बॉयफ्रेंड है वो प्रेसिडेंट का बेटा होता है और उसका नाम है रे। अब एक दिन कारा प्लान करके रे और बैकी का ब्रेकअप करवा देती है पर रे को कारा के बारे में फेडरिक नाम का एक आदमी बता देता है। खैर कहानी का कंक्लूजन निकलता है कि कारा, विंसेंट और फेडरिक असल में बैकी, ल्यूक और रे हैं जो फ्यूचर से आए हैं दुनिया को बचाने के लिए। हमें पता चलता है कि रे की वजह से दुनिया सच में खत्म हो गई थी पर दुनिया खत्म होने के बाद सिर्फ बैकी जिंदा बची थी और उसके पास दूसरी गैलेक्सी से एलियंस आए थे और एलियंस ने बैकी, ल्यूक और रे को टाइम में वापस भेज दिया ताकि वो अपनी गलती को सुधार सके। खैर ये कहानी मेरे को ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं लगती क्योंकि ये एक साइफाई थ्रिलर कहानी है और जो हमारा शो है वो एक हॉरर शो है। खैर कहानी के एंड में कारा रे को मारने की कोशिश करती है क्योंकि रे की वजह से ही दुनिया खत्म हुई थी और अगर रे मर जाएगा तो दुनिया उसकी वजह से खत्म नहीं होगी, पर रे की बजाय कारा बैकी को कार से टक्कर मार देती है। बैकी के मरते ही कारा गायब हो जाती है क्योंकि कारा असल में बैकी का ही फ्यूचर वाला रूप है और यहाँ से टाइमलाइन बदल जाती है और दुनिया खत्म नहीं होती। इसके बाद ल्यूक अपनी जिंदगी खुशी खुशी बिताता है और मिडनाइट क्लब की मीटिंग भी खत्म हो जाती है और कहानी सुनने के बाद नात्सुकी थोड़ी नाराज होती है क्योंकि वो चाहती थी कि बैकी और ल्यूक का रिलेशन कहानी में स्टार्ट हो जाए और इसलिए अमीश और नात्सुकी के बीच में एक कनेक्शन बन जाता है और वो दोनों किस करते हैं। दूसरी तरफ इलोंका को आन्या बताती है कि उसकी वजह से ही उसके मम्मी पापा एक कार एक्सीडेंट में मारे गए थे जिसके बाद आन्या ने ड्रग्स लेना स्टार्ट किया और उसे कैंसर हो गया।
आन्या अब उस परछाई के बारे में भी बता देती है और आन्या के हिसाब से वो एक डीमन है जो उसके मरने का इंतजार कर रहा है ताकि वो आन्या की आत्मा को नरक में ले जा सके। और ये बताते बताते आन्या रोने लगती है क्योंकि वो मरना नहीं चाहती थी, जिसके साथ एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। अब यहाँ से हम लोग चलते हैं एपिसोड 6 की तरफ, जिसका नाम है विच। Into those beyond. Anya's hanging over a cliff. And she could fall off any second. Seen or unseen. Here but not here. Now listen carefully. Because if you want to save your friend, you're going to need to do exactly what I tell you. एपिसोड शुरू होता है केविन की कहानी द विकेड हर्ड को दिखाते हुए, जिसमें डस्टी को अभी भी आत्माएं परेशान कर रही थी, पर वो एक बार फिर से एक लड़की का बड़ी ही बेरहमी से कत्ल कर देता है। अब आज जिस लड़की को डस्टी मारता है उसका भाई वहां पे आ जाता है और डस्टी को उस लड़की के भाई को भी मारना पड़ता है। इसके बाद मिडनाइट क्लब में केविन बताता है कि डस्टी आखिर लोगों को मारता क्यों है। असल में डस्टी की माँ एक डीमन से पोजेस्ड है और उसके अंदर से डीमन जब भी डस्टी को एक नाम बताता है तो डस्टी को उस लड़की को जाकर मारना ही पड़ता है। हमें अब शीला को दिखाते हैं जो डिटेक्टिव से और सवाल जवाब करने के लिए आ जाती है और डिटेक्टिव के हिसाब से ये जो मर्डर्स हो रहे हैं ये 40 साल पहले भी हो चुके हैं, जिसका मतलब मर्डर करने वाला कोई बूढ़ा आदमी है। खैर, शीला को डिटेक्टिव की बातों पे ज़्यादा यकीन नहीं होता और अगले दिन स्कूल में डिटेक्टिव डस्टी से मिलने आती है। डिटेक्टिव डस्टी से आइंस्टाइन नाम के एक सोशल मीडिया अकाउंट के बारे में पूछती है और हमें पता चलता है कि उस सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके कोई भी सीरियल किलर बच्चों को फंसा सकता है और डस्टी भी असल में वो सोशल मीडिया यूज़ करता था। डस्टी डिटेक्टिव को नॉर्मल बातें बताकर वहां से निकल जाता है और रात को वो जाता है शीला के साथ एक डेट पे। डेट पर भी वो आत्माएं डस्टी को नहीं छोड़ती और ट्विस्ट जब आता है जब उस रात को डस्टी की माँ उसके पास आती है और उसे शीला को मारने के लिए बोलती है। केविन अब यहीं पे कहानी खत्म कर देता है क्योंकि वो अपनी कहानी किसी और दिन पूरा करेगा। अब इसके बाद इलोंका एक और कहानी सुनाती है जिसका नाम है विच। कहानी में हम लोग इमानी नाम की एक विच को देखते हैं जो अपनी माँ से फ्यूचर देखना सीखती है। खैर, इमानी की माँ इमानी को समझाती है कि वो सिर्फ फ्यूचर को देख सकती है पर उसे बदल नहीं सकती और अगर इमानी ने फ्यूचर बदलने की कोशिश करी तो यूनिवर्स किसी ना किसी तरह होनी को होने में मदद करेगा। हमें आगे कहानी में पता चलता है कि इमानी की माँ एक डॉक्टर है और एक दिन हॉस्पिटल में एक बच्ची की डेथ हो जाती है। उस बच्ची के अंदर इमानी की माँ को अपनी बेटी दिखाई देती है और इसलिए वो जादू से अपनी जान उस बच्ची के अंदर डाल देती है। ये सब कुछ इमानी देख लेती है पर इसके बाद इमानी की माँ मारी जाती है। अब जिस रात इमानी अपनी माँ की अस्थियों को लेक में डालने के लिए आती है उसी रात इमानी को फ्यूचर दिखाई देता है जिसमें एक लड़के को एक गुंडा गोली मार देता है। अब इस सब के बाद इमानी अपने दोस्तों के साथ पार्टी में जाती है और गाड़ी में उनके साथ आता है एक नया लड़का जिसे इमानी ने मरते हुए अभी अभी देखा था। उस लड़के का नाम होता है बेन और बेन रास्ते में अल्कोहल खरीदने के लिए एक दुकान में जाने वाला होता है कि इमानी उसे रोक लेती है क्योंकि इमानी जानती थी कि बेन उस दुकान में मारा जाएगा। पर जब बेन दुकान में नहीं जाता तो स्कॉटी नाम की एक लड़की दुकान के अंदर अल्कोहल खरीदने चली जाती है और गुंडा स्कॉटी को गोली मार देता है। स्कॉटी हॉस्पिटल में अब जिंदगी और मौत के बीच में लड़ने लगती है और इमानी बेन के साथ रिलेशन में आ जाती है। अब जैसा कि इमानी की माँ ने बताया था कि कोई भी फ्यूचर को बदल नहीं सकता और इसलिए एक दिन जब इमानी एक स्टोर में घुसती है तो स्टोर ओनर इमानी को भागने के लिए बोलती है। इमानी देखती है कि वही गुंडा दुकान में घुसा हुआ है पर वो गुंडा इमानी की जगह बेन को गोली मार देता है और भविष्य पूरा हो जाता है, कहानी खत्म हो जाती है और आन्या अचानक ही बेहोश हो जाती है। आन्या को अब रिकवरी रूम में ले जाया जाता है और डॉक्टर स्टैंटन अब आन्या के बारे में कुछ भी श्योर नहीं थी और डॉक्टर के हिसाब से आन्या की हालत अब बहुत ज्यादा क्रिटिकल है।
कुछ देर बाद इलोंका आन्या से बातें करने के लिए आती है और उसकी बातों से आन्या को होश आ जाता है। इलोंका खुश हो जाती है पर डॉक्टर के हिसाब से आन्या अभी भी बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है। इलोंका को अब गुस्सा आ जाता है क्योंकि ये कैंसर सबकी जान ले रहा है और वो हॉस्पिस से भागकर जंगल में चले जाती है। जंगल में इलोंका फिर से मिलती है चाचा से और अब यहाँ पे इलोंका चाचा को पैरागॉन कल्ट के बारे में बताती है और चाचा बोलती है कि वो ऑलरेडी ये सब कुछ जानती है। इलोंका को चाचा की कलाई पे आवर ग्लास का टैटू मिलता है और इलोंका को लगता है कि चाचा कल्ट का एक हिस्सा है, पर चाचा बोलती है कि ये सिंबल पैरागॉन कल्ट वालों से भी बहुत ज्यादा पुराना है और इसका मतलब ये सिंबल बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस है। शात्सा इलोंका को अब एक रिचुअल के बारे में बताती है जिससे आन्या को ठीक करा जा सकता है और रिचुअल करने के लिए वो उसे अपना खून भी देती है क्योंकि रिचुअल में 5 लड़कियों का खून चाहिए था पर हॉस्पिस में सिर्फ 4 लड़कियां थी और वो 5 लड़कियां असल में रिप्रेजेंट करेंगी 5 ग्रीक गॉडेस को जिनके बारे में मैंने आप लोगों को बताया था। रिचुअल के बारे में इलोंका जाके अब सब लोगों को बताती है और सैंड्रा को छोड़कर सब लोग रिचुअल करने के लिए मान जाते हैं। सैंड्रा को रिचुअल के नाम से ही डर लग रहा था और उसे एक खौफनाक सपना भी आता है। सपने में सैंड्रा इलोंका के साथ में उस बेसमेंट के अंदर होती है और इलोंका की आवाज अचानक ही चली जाती है। इलोंका के आसपास डिमोनिक फिगर्स आ जाती है और वो उसे चारों ओर से दबोच लेती है और सैंड्रा डर के मारे जाग जाती है। अब रात में सारे क्लब मेंबर्स आन्या को उठाते हैं और पहुंचते हैं हिडन बेसमेंट में, पर बेसमेंट में किसी ने ऑलरेडी जमीन पे लिखा हुआ था कि रिचुअल को मत करना। खैर सारे बच्चे आन्या को लिटाकर एक गोला बनाकर बैठ जाते हैं और सैंड्रा भी सबका साथ देने के लिए आ जाती है। अब वो 8 बच्चे ग्रीक गॉडेसेस को बुलाते हैं जिनके नाम मैंने बताए थे, जिसके बाद सारे लोग अपनी फेवरेट चीजों का और अपने खून का सैक्रिफाइस करते हैं। वो सारे लोग अपना खून आग में, पानी के एक बाउल में और आन्या के माथे पे लगाते हैं और आन्या काफी ज्यादा खुश होती है क्योंकि उसके सारे दोस्त उससे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। एंड में आन्या का विसर्जन किया जाता है और सब लोग ग्रीक गॉडेसेस का आवाहन करने लगते हैं, पर जब सबकी आंखें बंद होती हैं तो वो काली परछाई छत से क्रॉल करते हुए बाहर निकलती है और आन्या पे बुरी तरीके से अटैक कर देती है और एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो ये थी एक्सप्लेनेशन द मिडनाइट क्लब के शुरू के 6 एपिसोड्स की और मुझे आशा है कि आप सभी को ये सारे एपिसोड समझ आ गए होंगे। दोस्तों ये वीडियो ऑलरेडी बहुत ज्यादा लंबी हो गई है तो आपको वो सारी बातें ऑलरेडी पता है जो मैं एंड में बोलता हूँ। हम लोग अगली वीडियो में मिडनाइट क्लब के आखिरी 4 एपिसोड को समझेंगे और एंड में देखेंगे कि ये सीरीज आखिर है क्या। मैं कुछ थ्योरीज को एक्सप्लेन करूंगा तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और मैं आप लोगों से मिलता हूं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।